नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं SIP प्लान फॉर 5 इयर्स। जी हाँ दोस्तों, आप 5 साल के अंदर भी रिटर्न पा सकते हैं। ये रिटर्न 8% से लेकर 15% तक की हो सकती है। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट के बारे में। ये एक शेयर मार्केट का प्लान है, टेबल नंबर 852 है LIC का। जैसे हम एक सिस्टम की बात करें, अगर बच्चा पैदा होता है तो फिर वो स्कूल जाता है, फिर पढ़ाई करता है, कॉलेज जाता है, शादी होती है, फिर वो अपने बुढ़ापे में आ जाता है। तो ये एक सिस्टम है प्रकृति का। इसी तरीके से एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हम एक सही जगह पे पहुंच जाएंगे। ये प्लान भी ऐसे ही काम करता है दोस्तों। चलिए तो इस प्लान की पूरी डिटेल जानते हैं, एंड तक पूरा वीडियो को देखिएगा। ये प्लान मार्च 2020 में लॉन्च हो गया था दोस्तों। जैसा हमने बताया कि 8 से लेकर 15% की रिटर्न देती है LIC, पर LIC अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करती है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों LIC अपना पैसा इन्वेस्ट करती है शेयर मार्केट में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और बॉन्ड्स में। और LIC को जो भी मुनाफा होता है वो आपके साथ शेयर कर देती है। चलिए दोस्तों तो बेसिक चीजें समझ लेते हैं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा लोगों के मुंह से, यार मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी उसमें मुझे 15 से लेकर 20% तक का प्रॉफिट हो गया है। और वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं, यार मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था वो मिलना तो दूर, मुझे तो और घाटा हो गया है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए वैसे तो हर इंसान सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अच्छा रिटर्न्स कमाना चाहता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, मगर उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है नॉलेज। अगर आपके पास जानकारी है तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है मेरे दोस्त, कि आप जहां भी इन्वेस्ट कर रखे हैं उस कंपनी के उस शेयर्स के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, डेली अपडेट आपके पास होनी चाहिए। जिस कंपनी पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी अभी आज के डेट में क्या अपडेट्स कर रही है, इन शॉर्ट में कहूं तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए उस कंपनी और शेयर के बारे में जहां पर आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए इन सारे कामों के लिए आपको पूरी जानकारी चाहिए, आपको पेशेंस चाहिए और बहुत सारा समय भी चाहिए दोस्तों। अब आप बोलेंगे, यार ये सारे कामों में अगर मैं पढ़ूंगा तो हमारा काम कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि एक आम इंसान जो जॉब में है, बिजनेस में है, वो इतना टाइम नहीं दे सकता है। देखो सच कहूं ये इतना आसान नहीं है, बट एक अच्छी बात यह है कि इस प्लान के अंदर आपके ये सारे काम करने के लिए एक फंड मैनेजर LIC अपॉइंट करके रखती है। ये फंड मैनेजर होता क्या है? देखिए फंड मैनेजर एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 10-15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है कि जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सही जगह पे लगा सके। और दोस्तों ये फंड मैनेजर आपको LIC SIIP के अंदर मिलेगा। ये एक शेयर मार्केट प्लान है, फंड मैनेजर को आपके लिए अपॉइंट करता है। देखिए हम इस प्लान के अंदर बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों की, तो फटाफट से इसके एलिजिबिलिटी और फीचर समझते हैं और उसके बाद सीधा कैलकुलेशन पार्ट पे आते हैं, कैसे हम 5 साल के अंदर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एज ऑफ एंट्री, मिनिमम एज ऑफ एंट्री इस प्लान के अंदर 0 ईयर, यानी कि एक छोटे बच्चे से स्टार्ट हो सकती है। मैक्सिमम एज 55 साल के व्यक्ति को ये प्लान मिल सकता है। आप अगर अपने बच्चे के लिए प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस प्लान को चूज कर सकते हैं दोस्तों। इसमें आपको 8 से लेकर 15% का रिटर्न मिल जाता है, जो कि शेयर मार्केट पर डिपेंड होता है। मिनिमम टर्म आपको 10 सालों का मिलेगा, मैक्सिमम 25 सालों का मिलेगा। और हाँ, हम 5 साल वाले की कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे, कैसे आप 5 साल के अंदर इस प्लान से अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। देखिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में। तो यहाँ पर एक सिस्टम है जिसको हमको फॉलो करना होगा। अगर हम ईयरली मोड पेमेंट चूज कर रहे हैं तो मिनिमम हमारा सालाना 40,000 में हमें इसमें जमा करने होते हैं, हाफ ईयरली में 22,000, क्वार्टरली में 12,000, और अगर आप मंथली मोड चूज करना चाहते हैं तो 4,000 मिनिमम आपको इसके अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। चलिए दोस्तों तो इन फंड्स के बारे में जानते हैं, उनके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं और रिस्क के बारे में भी जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बॉन्ड फंड के बारे में। बॉन्ड फंड में आप रिस्क मीटर देख सकते हैं, इसकी सुई कहां पर आ रही है, यानी कि इसके अंदर बहुत मिनिमम रिस्क है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं सिक्योर्ड फंड की। इसमें आप रिस्क मीटर देख सकते हैं दोस्तों, कहां पर आपका रिस्क मीटर जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कितना इन्वेस्ट होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट में कितना इन्वेस्ट करती है कंपनी, और इक्विटी में कितना इन्वेस्ट करती है, यहां पर सारी चीजें दे रखी है। बैलेंस फंड की बात करें, इसमें भी आप रिस्क मीटर चेक कर सकते हैं, कितना पैसा कहां इन्वेस्ट हो रहा है यहां पर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे
ग्रोथ फंड के बारे में। इसमें हाई रिस्क है दोस्तों, बट इसके अंदर रिटर्न्स भी आपको बहुत जबरदस्त मिलती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कौन सा पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, तो ये रिस्क मीटर भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार आप इनको बताते नहीं है कि शेयर मार्केट का प्लान है। देखिए, आपको गारंटीड प्लान चाहिए तो आप दूसरे ऑप्शन चूज कर सकते हैं, वहां पर आपको रिटर्न मिलती है 8% तक की, 7% तक की, 9% तक की भी मिल जाती है। बट अगर हम बात करेंगे शेयर मार्केट वाले प्लान की, SIP इकलौता ऐसा प्लान है जिसके अंदर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहो तो एक गारंटेड प्लान भी ले सकते हैं, उसके साथ में ये वाला प्लान भी ले सकते हैं जिसके अंदर आपको 8-15% का रिटर्न मिल जाता है। ये सारे फंड्स के एग्जांपल मैं देने वाला हूँ। सबसे पहले बॉन्ड फंड, उसके बाद सिक्योर्ड फंड, देन बैलेंस फंड, और लास्ट में हम बात करने वाले हैं ग्रोथ फंड के बारे में। दोस्तों, ये भी जानेंगे किस फंड के अंदर कितने कितने रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बता देता हूँ। सबसे पहला एग्जांपल हम बॉन्ड फंड के बारे में ले रहे हैं, और जो एग्जांपल हम देने वाले हैं वो हर किसी में सेम रहेगा, यानी कि एज रहेगी 32 इयर्स की। ईयरली हम पेमेंट करने वाले हैं, जो भी मोड हम चूज करेंगे, हम सालाना लेके चलते हैं, ईयरली 1,00,000 रुपए हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे और 5 साल अगले करेंगे। दोस्तों, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने 4 फंड्स के बारे में बात करी है, कभी मार्केट ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, तो क्या हम अपने फंड्स को स्विच कर सकते हैं या नहीं? जी हाँ, कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि एक बार कर सकते हैं, आप साल में 4 बार स्विच कर सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों, इसके अंदर पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन है या नहीं है? अगर आपने इस प्लान को ज्यादा समय के लिए लिया है, क्योंकि इतने ज्यादा समय के लिए हम प्लान लेते हैं, हमें और अच्छी रिटर्न्स मिलती है। तो अभी हम बात करें 5 साल वाले प्लान, क्योंकि 5 साल के लिए हम इसका लॉक इन रहता है, क्योंकि हम समझ लेते हैं अगर हमने 10 साल का प्लान लिया है, 15 का 20 का, तो हमें कैसे कैसे पार्शियल विड्रॉ का ऑप्शन मिलता है। 6-10 साल अगर हो जाते हैं पॉलिसी को, तो आपने जो मुनाफा कमाया उसका 20% पैसा आप इसके अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं। 11-15 साल हो जाते हैं आपकी इस पॉलिसी को, तो 25% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं जितने भी आपने प्रॉफिट कमाया है। 16-20 साल तक अगर आपका पॉलिसी चल चुका है, तो 30% पैसा अपने मुनाफे का आप इसके अंदर से विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। और 21-25 साल तक, क्योंकि लास्ट टर्म जो उसका 25 साल के लिए प्लान मिलता है, तो इस दौरान 21-25 साल के लिए अगर आपने इस प्लान को ले रखा है, तो अपने प्रॉफिट का 35% तक का पैसा आप इसके अंदर विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों, ग्रेस पीरियड की मैं बात करूं, ग्रेस पीरियड एक ऐसा समय होता है, अगर ग्रेस पीरियड के अंदर पॉलिसी होल्डर के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो भी उनके नॉमिनी को क्लेम दिया जाता है। मंथली मोड अगर आपने चूज किया है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए, 15 दिन का डिले हो गया है, उसके अंदर किसी पॉलिसी होल्डर का दुर्घटना हो जाती है, तो भी डेथ क्लेम देगी LIC। तो मंथली मोड में 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टर मोड चूज करते हैं, तो उसके अंदर आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है LIC के हर पॉलिसी के अंदर। दोस्तों, इस पॉलिसी के अंदर 5 साल बाद सरेंडर कर सकते हैं, उसी की कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि हमने बताया था SIP प्लान फॉर 5 इयर्स। टैक्स बेनिफिट के बारे में भी बात कर लेते हो दोस्तों, LIC के हर प्लान के अंदर आपको प्रीमियम में और मैच्योरिटी में टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, जो भी आप प्रीमियम पे करेंगे वो 80C के अंदर आएगा, आपको उसमें टैक्स में रिबेट मिलेगी। और अगर मैं मैच्योरिटी की बात करूं, तो मैच्योरिटी के अंदर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जो कि 1010D के अंदर आता है, यानी कि जो भी आपका डेथ क्लेम या फिर मैच्योरिटी आपको मिलेगी इस पॉलिसी के अंदर, वो सेक्शन 1010D के अंदर आएगी, यानी कि जो पैसा आपको मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा। चलिए दोस्तों, तो बिना देरी किए हुए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस फंड के अंदर कितना रिटर्न हमको मिलता है। बॉन्ड फंड के अंदर 8% का, सिक्योर्ड फंड के अंदर 10% का, बैलेंस फंड के अंदर 12% का, और ग्रोथ फंड के अंदर 15% का। तो हम बॉन्ड फंड से शुरू करेंगे और लास्ट में ग्रोथ फंड की कैलकुलेशन करेंगे। दोस्तों सबसे पहले कैलकुलेशन हम करते हैं बॉन्ड फंड के बारे में, जिसमें मिलती है आपको 8% की रिटर्न। यहाँ पर आप एज देख सकते हैं, 32 साल की उम्र में हमने प्लान ले लिया है। ये कैलकुलेशन पूरे 25 सालों के लिए है, मगर हम 5 साल वाले प्लान के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप 10 साल, 15 साल, 25 साल के लिए भी इस प्लान को लेना चाहते हैं, तो सारी कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पर 32 की एज में हमने ये प्लान लिया है, 37 की एज में हमें जो रिटर्न मिलने वाली है, यहाँ पर 6,80,000 रुपए की रिटर्न को मिलती है। अगर हम 1 साल और वेट करते हैं, तो उसके अंदर हमको 8,38,000 रुपए की रिटर्न मिलती है। अगर उसके 1 साल और हम इसका वेट करते हैं, तो हमको 10,00,000 रुपए तक की रिटर्न मिल जाती है। दोस्तों ठीक है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं, यहाँ पर नेचुरल कवरेज दे रखी है। पहले ही साल में आपने 1,00,000 रुपए देने हैं, 10,00,000 रुपए का आपका नेचुरल कवरेज स्टार्ट हो जाएगा। एक्सीडेंटल कवरेज की बात करूं, तो वो डबल अमाउंट होता है, यानी 20,00,000 रुपए का हो जाएगा। अगर व्यक्ति इस प्लान को 10 सालों के लिए लेता है 8% रिटर्न के अकॉर्डिंग, तो 42 साल की उम्र में यहाँ पर वो 15,50,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं इस प्लान के अंदर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 20 साल वाले प्लान की, तो यहाँ 52 साल की उम्र में अगर वो इस प्लान को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो 44,00,000 रुपए लेके विड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों। और अगर मैं टोटल मैच्योरिटी की बात करूं, तो यहाँ पर टोटल मैच्योरिटी अमाउंट इनका 25 सालों के अंदर 70,00,000 रुपए का बनता है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, ये 8% वाले बॉन्ड फंड की कैलकुलेशन है। नेक्स्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये कैलकुलेशन है सिक्योर्ड फंड्स के बारे में। यहाँ पर 10% की रिटर्न हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर भी हम सेम कैलकुलेशन करेंगे। एज 32 साल की है। ईयरली प्रीमियम 1 लाख रुपए का हम दे रहे हैं। नेचुरल कवरेज 10 लाख से स्टार्ट होती है। एक्सीडेंटल कवरेज 20 लाख से स्टार्ट होती है। यहाँ भी 5 साल के बाद अगर हम पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो 7,21,000 रुपए से लेके अगले साल 8,90,000 तक हम यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं इस प्लान के अंदर दोस्तों। तो ये कैलकुलेशन आपके लिए है 5 साल वाली। अगर आप इसी प्लान के अंदर बोलते हैं कि भाई मुझे 10 साल बाद विड्रॉ करना है पैसा, तो उस समय भी आप 42 साल की उम्र में तकरीबन 17.5 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर 25 साल बाद आप इसे विड्रॉ करना चाहते हैं अमाउंट को, तो यहाँ पर आप 94 लाख रुपए के मैच्योरिटी अमाउंट के साथ विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिंपल सी कैलकुलेशन है आपकी सिक्योर्ड फंड के बारे में। तो ये तीसरी कैलकुलेशन है बैलेंस फंड के बारे में। इसके अंदर आपको 12% की रिटर्न देखने को मिलती है। यहाँ पर भी एज सेम है, सेम क्राइटेरिया, नेचुरल कवरेज सेम है, एक्सीडेंटल कवरेज सेम है। यहाँ पर आप चाहो तो 5 साल के बाद में पैसा विड्रॉ कर सकते हो 7,58,000 रुपए से लेके नेक्स्ट ईयर 9,45,000 रुपए तक का। जी हाँ दोस्तों, अगर इसी प्लान को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, 42 साल में 10 साल के बाद विड्रॉ करते हैं, तो इसी प्लान के अंदर जो हमको रिटर्न मिलती है वो तकरीबन मिलती है 19-19.5 लाख रुपए की। और अगर हम इस प्लान को पूरा लेके चलते हैं और इसको पूरे 25 साल के बाद विड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर हमको जो रिटर्न देखने को मिलती है वो तकरीबन होती है 1,29,00,000 रुपए के आसपास की। तो ये हुआ दोस्तों आपका बैलेंस फंड, जिसमें आपको 12% तक की रिटर्न देखने को मिलती है। दोस्तों अब फाइनली जिसका हमें इंतजार था, ग्रोथ फंड की कैलकुलेशन का, जिसके अंदर 15% की रिटर्न हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर भी सेम चीज है, 32 साल की उम्र में हम प्लान ले लिए, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हर साल कर रहे हैं हम लोग। नेचुरल कवरेज 10 लाख रुपए की है, एक्सीडेंटल कवरेज 20 लाख रुपए की है। यहाँ पर 5 साल के बाद हम 8,17,000 रुपए से लेके 10,37,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं 5 से 6 साल के अंदर। अगर हम इसी प्लान को और आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे तो दोस्तों जबरदस्त रिटर्न देखने को मिलेगी। 42 साल की उम्र में आप विड्रॉ करते हैं तो आपको तकरीबन 27 लाख रुपए इस प्लान के अंदर मिलेंगे। अगर आप इस प्लान को पूरा लेके चलोगे तो दोस्तों लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, अगर आप 25 साल के लिए इस प्लान को लेते हैं। दोस्तों ये प्लान SIP शेयर मार्केट वाला प्लान है। अगर आपको गारंटेड प्लान चाहिए तो जीवन लाभ प्लान ले सकते हो आप, LIC उमंग प्लान ले सकते हो। अगर वन टाइम पेमेंट प्लान लेना है तो ऐसा ही एक प्लान है निवेश प्लस प्लान, जो शेयर मार्केट डिपेंड करता है, आप उसमें वन टाइम पेमेंट भी कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको LIC प्लान फॉर 5 ईयर्स की कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके सारे के सारे सवालों के जवाब देता रहूं।